उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के विसौली में सोशल मीडिया साइट पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल हुआ। आपको बताता चलूं, पुलिस ने आरोपी को शिकायत के आधार पर पहले गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही दोनों पक्षों की ओर से जमकर फिर हंगामा काटा गया, जिसमें एक महिला घायल हुई। पुलिस ने पुनः तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के अंतर्गत 26 जुलाई को धर्मेंद्र उर्फ फौजी, जो ललुआ नगला निवासी हैं, उनकी दुकान दस्तौरी चौराहा थाना बिसौली में है, ने तहरीर देकर थाना बिसौली पर देवेंद्र उर्फ गुड्डू के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट तथा जातिगत फेसबुक पर जातिगत टिप्पणी का अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें देवेंद्र उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज जमानत के बाद देवेंद्र उर्फ गुड्डू पक्ष के आशीष और 10-12 लोग दफ्तौरी चौराहे पर पुनः आकर के सायंग नारेबाजी करने लगे और जातिगत टिप्पणी किए। दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठे हुए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पत्थरबाजी और कहासुनी हुई। इसमें एक पक्ष की एक महिला को सर में चोट आई है, जिसका इलाज स्थानीय PHC पर कराया जा रहा है और उसको मामूली चोट है, उसके बाद उसको घर भेजा जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इस बात घटना को लेकर के इससे पहले एक दल के बरेली निवासी कुछ लोगों ने जातिगत टिप्पणियां ट्विटर पर की हैं, जिनके कारण यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है उनके विरुद्ध, तथा आज जिन लोगों ने आपस में मारपीट की है उनके विरुद्ध थाना बिसौली पर पुलिस की ओर से उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों पक्षों को भारी मुचलके से पाबंद कराया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल है, वो पूर्णतया शांति है, लेकिन कानून एवं व्यवस्था को लेकर, इस घटना को लेकर अगर कोई सोशल मीडिया पर टिप्पणी करता है या अन्य कोई दुर्व्यवहार करता है या कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।